अब आज नए अलाउंस की बात करते हैं, और आज जो हम अलाउंस करने वाले हैं वो कैलकुलेटिव अलाउंस है। अभी तक जो हमने अलाउंस इसमें किए हैं उसके अंदर दो टाइप के अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप माफ़ करवा सकते हैं, जो कि इसके अंदर सेकंड टाइप के अलाउंस थे, और छः अलाउंस उसमें गिवन है। पहला अलाउंस इसके अंदर गिवन है अलाउंस ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ टूर और ट्रैवल और ट्रांसफर। दूसरा है कन्वेंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। तीसरा अलाउंस ग्रांटेड टू एंगेज हेल्पर्स। चौथा अलाउंस ग्रांटेड फॉर यूनिफॉर्म ऑफ ऑफिस। पांचवा अलाउंस ग्रांटेड टू मीट ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। और पांचवा अलाउंस ग्रांटेड फॉर एंकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल पर्सन। इन अलाउंसेस की बात हमने की थी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर हमने बात की थी उन अलाउंसेस की जिसके अंदर लिमिट है। आगे आपके और अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस तरह के कुछ अलाउंसेस हैं। अब बात करेंगे जिनमें कैलकुलेशन होती है। अभी तक कैलकुलेशन की बात नहीं हुई, तो टाइप थ्री हो गया, जो सबसे पहला टाइप आपको यहां पे दिया हुआ है। इसमें दो अलाउंस ऐसे हैं जिनको गिनाया गया है, और सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलाउंसेस के अंदर है वो है आपका हाउस रेंट अलाउंस, HRA के नाम से जानते हैं इसे, हाउस रेंट अलाउंस, HRA। एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस अलाउंस से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे इस अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी जानकारी की जरूरत हमें पड़ती है अच्छे से सर में आ रहे, तो सीधा सीधा मैं अलाउंस नहीं बताता, बल्कि पहले अपनी इसके अंदर कुछ डेटा मैं ऐड कर लेता हूँ। एक एम्प्लॉई यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं जिसकी कुछ सैलरी की डिटेल डाल देते हैं, फिर लौट के आते हैं इस अलाउंस के अंदर क्या कंडीशन और कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैं मान के चलता हूँ से कोई मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स जो है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो तनख्वाह मिलती होगी, सैलरी मिलती होगी। उनकी जो कंपनी ने बेसिक सैलरी तय की है, बेसिक, वो 20,000 पर मंथ है। ये आपको पता है साल में महीने होते हैं 12, तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 240,000। लेकिन इनको मिलेंगे नहीं 240,000, मिलेंगे काफी पैसे ज्यादा, क्योंकि हम इनको कई किस्म के अलाउंस वगैरह दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, ओवर टाइम के पैसे दे सकते हैं, तो कंपनी ने इसको कुछ पेमेंट और भी किया। नंबर वन, इन्होंने उसे डियरनेस अलाउंस दिया, डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस में 5,000 पे हर महीने देना शुरू किए। महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ जाती है, तनख्वाह उतनी रखेंगे, महंगाई भत्ता अलग से ले ले भाई, कितना पैसा मिल गया, ये बन गया 60,000। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन में समटाइम आपको लिखा नजर आएगा, समटाइम नहीं लिखा नजर आएगा, कई बार यहां पर लिखा होगा कि कुछ पोर्शन इसका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। लाइक मैं यहां पे मान के चलता हूं लिखा हुआ है 60% फॉर्मिंग, जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसा लिखा हो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, लेकिन यहां पे मैं मान लेता हूं कि क्या लिखा हुआ है, 60% फॉर्मिंग। क्या मतलब है फॉर्मिंग का, उसको भी अब डिस्कस कर लेता हूं कि ये फॉर्मिंग बोलने का क्या मतलब है। फॉर्मिंग का मतलब होता है कि ये जो डियरनेस अलाउंस है, जो भी रकम यहाँ पे है, महीने की रकम कितनी है 5,000, उसमें से 60% जो पोर्शन है उसे अगर कहीं हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी सैलरी की, तो उसे सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी माने सैलरी का पार्ट माना जाएगा, है नहीं सैलरी वैसे, ये सैलरी बेसिक सैलरी तो उसकी यही है, लेकिन इसे भी बेसिक सैलरी का पार्ट अज्यूम किया जाएगा। इसका मतलब होता है फॉर्मिंग। क्या है इसका और थोड़ा सा डिटेल में बताया तो मैं कहता हूँ से एक तीन कंपनियों के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक कंपनी ए लिमिटेड है, एक कंपनी बी लिमिटेड है, और एक कंपनी सी लिमिटेड है। तीनों कंपनी में कर्मचारियों की तनख्वाह एक जैसी है, तीनों कंपनी में कंपनी की जो सैलरी बेसिक इन्होंने रखी है वो 10,000 रुपये तीनों कंपनी में अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपये देती है पर मंथ। तीनों कंपनी डियरनेस अलाउंस भी देती है। पहली कंपनी डियरनेस अलाउंस जो देती है वो देती है 5,000 रुपये, दूसरी कंपनी भी देती है 5,000 रुपये, और तीसरी कंपनी भी देती है 5,000, तीनों बिल्कुल सिमिलर दे रही है। अच्छा, टोटल सैलरी कितनी बनेगी तीनों कंपनी के कर्मचारियों की, 15,000 बन जाएगी, 15,000। फिर कंपनी से किसी ने बोला भैया कर्मचारी को तनख्वाह दे, तो चलो ऐसा करो कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के लिए भी कुछ पैसा दो, जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो कहां जाएंगे, तो प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, भविष्य के अंदर जो उनको पैसा दिया जाएगा प्रोविडेंट फंड, एज पर द लॉ बनाना कंपल्सरी होता है। हमने कहा ठीक है जी, हम अपने सारे कर्मचारी को 10-10% PF देंगे, PF का बेनिफिट देना शुरू किया, कितना, 10% प्रोविडेंट फंड में डालना शुरू किया। अब जा देखते हैं किस कंपनी ने कितना डाला, तनख्वाह तो सबने कितनी कितनी दी है, 15,000। पहली कंपनी ने प्रोविडेंट फंड में डाले 1,500 रुपए, मतलब किसका उन्होंने 10% निकाला, इसका।
दूसरी कंपनी ने कहा जी हम भी 10% डालेंगे, लेकिन हमने डाले हैं सिर्फ 1000 रुपए। मतलब समझे, इसने सिर्फ इसी का 10% डाला। तीसरी कंपनी ने कहा जी हम डालेंगे 1300 रुपए। अब भाई 1300 रुपए कैसे बन जाएंगे भाई, एक तो ये बन गया 10% और इसका अगर देखे तो 60% 3000 होता है। अगर इसका देखिए कितना 60% 3000, तो 3000 जमा 10000 मिलके कितना हो गया 13000, और 13000 का 10% निकाले तो कितना हो गया 1300 रुपए। अब जा समझो इसके अंदर, इस कंपनी के लिए डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी था, मतलब उसने सैलरी का हिस्सा माना और 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी था, इसलिए पूरे 5000 को जोड़ के उसने 15000 के ऊपर निकाला है 10%। मतलब इस कंपनी की नजर में डीए भी सैलरी ही है, वैसे सैलरी सिर्फ इतनी है लेकिन डीए भी क्या है इनकी नजर में सैलरी है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, पार्ट ऑफ द सैलरी, इसलिए इसने अपनी कैलकुलेशन इन दोनों को जोड़ के की है 10% 1500। ये कंपनी थोड़ी चलाकी कर रही है, कह रहे जी हम तो सिर्फ सैलरी को ही सैलरी मानते हैं, हम डीए को सैलरी नहीं मानते, तो 10% सैलरी का देने की बात ही थी, तो हम 10% किसका दे रहे हैं सैलरी का दे रहे हैं, डीए का नहीं दे रहा। मतलब इनकी नजर में डीए क्या है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है ये कंपनी, सैलरी को नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब ये कंपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रही है, इसने कुछ पोर्शन को सैलरी का पार्ट माने, कुछ पोर्शन को डीए को सैलरी का पार्ट माने और कुछ को नहीं माने। उसने कितने परसेंट को माना है, 60% को माना है, 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बाकी पूरे पोर्शन को सैलरी का पार्ट नहीं माने। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा नजर आएगा कुछ परसेंटेज, अगर नहीं लिखा नजर आए मतलब जीरो फॉर्मिंग है ही नहीं वो फॉर्मिंग, जब लिखा नजर आएगा ओनली देन हम मानेंगे कि हाँ भाई तू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। जैसे इस एग्जांपल में मैंने कितना ले लिया 60% फॉर्मिंग पार्ट से, अच्छा चाहे वो फॉर्मिंग पार्ट सैलरी का हो या ना हो, मिलेंगे तो 15-15 हजार ही अभी फिलहाल मिलेंगे किसको, कितने इसको 15000। आप सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन में यूज होगा, खुद के अंदर तो ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा ना, यहाँ पे भी 15 मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 15। हाँ अदर कैलकुलेशन में फिगर कम ज्यादा हो सकती है, बट नगद इसकी सैलरी सबकी 15000 ही होगी, तो इसलिए वहां पे पेमेंट करते वक्त चाहे फॉर्मिंग हो चाहे नॉट फॉर्मिंग, यहां पे तो गिनती पूरे 5000 की ही की जाएगी। ठीक है जी, चलिए और इसके अंदर कुछ नई बातें और इसको दे देते, और उसको कमीशन मिलता है। हमने कमीशन भी देने की बात की उसको कि भाई तुझे कमीशन भी देंगे। कमीशन कैसे देंगे, फिक्स दे देंगे, फिक्स देंगे कमीशन, फिक्स कर दिया उसका कमीशन जो कि से 4000 रुपए महीने का है, और फिक्स कमीशन हो गया इसका कितना 48000। कमीशन सेल पे भी मिलता है और ज्यादातर तो सेल पे मिलता है, सेल करो कमीशन मिलेगा, तो यहां पे एक तरह से नाम कमीशन है लेकिन कमीशन वाली नेचर नहीं है इसके अंदर, फिक्स ही दे रहे हो आप तो उसको, ठीक है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं दे रहे हो, फिक्स कर दिया। तो ये सैलरी और डीएनएस लॉन्स में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। फिर हमने उसको कहा भी बोनस भी देंगे, दिवाली आएगी तो बोनस में कितना पैसा दिया, बोनस में हमने उसको दिए से 30000 में बोनस भी मिल गया, और उसके अलावा बच्चों के लिए भी अलाउंस हमने दे दिया। हमने सीख लिया था बच्चों के लिए कौन सा मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हमने उसे 150 रुपए के हिसाब से दो बच्चों का अलाउंस दिया, 12 महीने में फिगर कितनी हो जाएगी 3600 रुपए हो जाएगी। और हमें पता है सरकार ने इसके अंदर पूरा टैक्सेबल करने से हमें थोड़ी सी बचत दी, मतलब बेनिफिट दिया, इसमें पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कितना इसमें लेस कर देंगे, लेस कर देंगे जो एग्जम्प्ट होता है। और हमने सीख लिया था कितना तक एग्जम्प्ट होता है, 100 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है, दो बच्चों का एग्जम्प्ट होता है, 12 महीने में कितना 2400 रुपए, लेस कर दे तो यहाँ पे टैक्सेबल होने के लिए कितना आएगा, सिर्फ 1200 ही आएगा। हमने उसे उसके बाद दिया हाउस रेंट अलाउंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कब ने कहा तुम्हें मकान का किराया, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब समझा, हाउस रेंट अलाउंस मतलब मकान का किराया भरने के लिए कंपनी कुछ पैसा और देगी। तुम्हारा मकान अगर किराए का है तो कंपनी उसके कुछ पोर्शन को, रेंट के कुछ पोर्शन को पे कर सकती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी ने तुम्हें हर महीने 10000 रुपए का हाउस रेंट अलाउंस दिया, कितना हो जाएगा ये 1,20,000। और अब हमें कैलकुलेशन करनी है इसमें सरकार ने कितनी माफी दी है, कितना पोर्शन एग्जम्प्ट हो जाएगा। हमें पता है कि पहले भी एग्जम्प्ट हुआ था, यहाँ पे देखो 1200 रुपए एग्जम्प्ट हुआ नियमों के मुताबिक, वैसे यहाँ पे भी कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट हो सकता है, वो कितना पोर्शन हो सकता है ये कुछ कैलकुलेशन करके बताया जाएगा, एकदम से नहीं भर देंगे कितना एग्जम्प्ट होगा, वो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और वो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी उसके लिए कुछ बातें आपको क्वेश्चन में एडिशनल बताई जाएंगी, तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या बातें वो बताने की कोशिश कर। नंबर वन, वो आपको रेंट पेड बाय एम्प्लॉय बताएगा कि एम्प्लॉय को मकान कितने के किराए पे मिला हुआ है,
मैं मान के चलता हूँ इसको मकान का किराया जो देना पड़ रहा है से वो 15,000 पे पर मंथ देना पड़ रहा है। अब कंपनी तो उसे 10,000 ही दे रही है, लेकिन वो कितना किराया भर रहा है, 15,000 के मकान किराए पे मकान उसने कहीं पे लिया है। दूसरी चीज वो आपको बताएंगे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि उसने ये मकान कौन से प्लेस पे लिया है, दिल्ली में लिया है, गुड़गांव में लिया है, गाजियाबाद में लिया है, आगरा में लिया है, लिया कहाँ पे है, वो आपको प्लेस भी बताएगा इसका। मैं मान के चलता हूं वो प्लेस जो है वो दिल्ली है। हमारी जब कैलकुलेशन होगी इन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, बिना इसके हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलग से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उसने रेंट कितना पे किया है, और उसके अलावा उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारा प्लेस ऑफ वर्क और प्लेस ऑफ रेजिडेंस अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली वाले गुड़गावा में जॉब करने जाते हैं, और अगर स्टेट की बात की जाए तो दोनों स्टेट अलग अलग है, दिल्ली अलग स्टेट है और गुड़गावा हरियाणा में पड़ते हैं। बहुत सारे गाजियाबाद के लोग दिल्ली में काम करने आ जाते हैं, तो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो गाजियाबाद है, लेकिन प्लेस ऑफ वर्क दिल्ली हो जाता है, तो दोनों अलग अलग बातें हो जाती है, स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए अब आपको यहाँ पे क्या, किस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई रेजिडेंस कहाँ पे, मकान कहाँ पे किराए पे लिया है, कहाँ काम करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस कैलकुलेशन के लिए, कहाँ रहते हो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस अब समझते हैं। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ फिगर्स कंप्यूट करनी पड़ेगी, अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तब वहां की क्वेश्चन मार्क की फिगर को हम जान पाएंगे। अब कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, आपके नोट्स में लिखा है, सबसे पहले हमें यहां पर एक फिगर चाहिए जो कि 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी होगी। ध्यान रखना इनमें से कोई एक ही फिगर होगी, या तो 50% ऑफ सैलरी और या तो 40% ऑफ सैलरी। और 50% लेंगे या 40% ये डिसाइड करेगा हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये डिसाइड करेगा कि 50% लेना है या 40%। क्या लिखा है इसके अंदर, 50% मेट्रो सिटीज और 40% ऑल अदर सिटीज। और मेट्रो सिटी एज पर द गजट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, सिर्फ चार सिटीज को ही मेट्रो सिटीज का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, सिर्फ ये चार सिटी। बड़ी चाहे और भी सिटीज है, बेंगलोर भी बहुत बड़ी सिटी है, गुड़गांव भी काफी बड़ा हो गया, लेकिन सिटीज जिनको मेट्रो का दर्जा दिया गया, बात तो दर्जे की है ना, तो मेट्रो का जो जो दर्जा हमें दिया है, जो स्टेटस दिया, सिर्फ चार सिटीज को दिया गया। उन चार सिटीज को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया अगर कोई पर्सन रहता है, रेजिडेंस है, तो उसको मिलेगा 40%, अदरवाइज मिलेगा 50% ऑफ सैलरी। हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये रकम कितनी होगी। अब यहां पे सवाल उठता है, ये सैलरी के मतलब क्या, सैलरी में तो बेसिक भी है, डीए भी है, कमीशन भी है, बोनस भी है, बहुत कुछ आ रहा है यहां पे तो सैलरी में। भाई ये सैलरी की कैलकुलेशन चल रही है, टोटल सैलरी की कैलकुलेशन, हम यहाँ पे टोटल सैलरी को नहीं उठा के रहे। अभी थोड़ी देर पहले देखो डीए की कैलकुलेशन, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन की थी, तो हमने इवन डीए का भी कुछ पोर्शन लिया, कुछ पोर्शन को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे भी सारा कुछ जो पेमेंट मिल रही है वो सैलरी नहीं है। यहां पर सैलरी के क्या मायने होते हैं आपको अलग से निकालना पड़ेगा कि भाई सैलरी आखिर होती क्या है। इस क्वेश्चन में इस टाइप को करते हैं, सैलरी का आपका मीनिंग एक खास रहेगा और वो आपको इसके अंदर लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ सैलरी का आगे नंबर वन डाल दिया, इसमें पूरे टाइप को करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आएंगे सैलरी के अलग अलग जगह पे। अभी यहां पर सैलरी का मतलब सिर्फ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, वहां पे आएंगी 50 चीजें, लेकिन यहां पे जब सैलरी बोलेंगे, इस प्रोविजन के लिए जब सैलरी बोलेंगे, सिर्फ तीन चीजों को सैलरी में गिनेंगे। नंबर वन उसकी बेसिक पे क्या है, नंबर टू डीए, लेकिन सारा डीए नहीं, सिर्फ वो वाला डीए जो फॉर्मिंग है, टोटल डीए यहां पे नहीं गिना जाएगा, प्लस कमीशन, और कौन से वाला कमीशन जो कि बेस्ड ऑन सेल परसेंटेज, मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर कमीशन दे रहे हो तो गिनेंगे, अगर तुम फिक्स कमीशन दे दे तो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है तो उसे यहां पे काउंट नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पे तो बहुत सारे फिगर थी, इस मीनिंग में कौन कौन सी फिगर एलिजिबल है। आपको क्या, सर सबसे पहले तो बेसिक एलिजिबल है, अच्छा कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर चेंज नहीं है तो कैलकुलेशन ईयरली बेस पे, क्योंकि हमें टैक्सेबल ईयरली करना होता है। ईयरली सैलरी उठा लो वहां से, कितनी है भाई हमारी ईयरली सैलरी, ईयरली सैलरी हमारी 2,40,000। तब हम ईयरली नहीं लेते अगर डेटा में फ्लक्चुएशन, बाई चांस उसका प्लेस बदल रहा हो बीच में, तो फिर हम ईयरली नहीं ले पाएंगे। अगर उसके अंदर उसने रेंट बदल दिया तब भी ईयरली नहीं पाएंगे, टाइम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप क्या ले लेंगे, पूरी ईयरली सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस भी वहां पे तो आ गया 60,000 पूरा का पूरा, लेकिन यहां पे तो 60,000 नहीं आ पाएगा, यहां पे तो सिर्फ कितना पोर्शन आ पाएगा, 60%, और 60% देखे तो कितना हो जाएगा, 36,000।
तीसरा इसके अंदर आना है कमीशन जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, सेल्स पे बेस्ड है। वो वाला कमीशन मैंने फिक्स पुकार दिया था, इसका मतलब वो वाला कमीशन इस मीनिंग में कवर नहीं किया जाएगा। और बाकी बोनस वोनस जो कुछ भी है वो वहां पे टैक्सेबल होगा, यहां पे गिनती में नहीं आएगा। यहां पे सिर्फ यही तीन चीजें आनी है और इनको अगर जोड़ दें तो ये फिगर कितनी हो जाती है, रुपीज 276,000। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा भैया यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है। आपको यहाँ पे 50% या 40% ऑफ सैलरी लेना है और प्लेस डिसाइड करें। प्लेस मैंने क्या दिया आपको, डेली। इसका मतलब मुझे ये यूज नहीं करना डेली, तो भाई मेट्रो सिटीज में आते हैं। अगर मैं बोल देता गाजियाबाद है, अगर मैं बोल देता आगरा, तो आप कहते सर 40% ले लेंगे, बस इतना सही फर्क है। तो फिलहाल यहाँ पे फिगर सबसे पहली हो जाएगी 276,000 का 50%। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ 276,000 डिवाइड बाई 2 कर दे तो 1,38,000 एक वैल्यू का हमने पता लगा लिया। हमें तीन वैल्यूज यहां पे रखनी पड़ेंगी अपना फाइनल डिसीजन देने से पहले। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 50% या 40% सैलरी जो कि कैलकुलेट हो गई है और फिगर आ गया 1,38,000। पॉइंट नंबर 2, यहां पे आपको उसे पूछना है कि भाई तूने रेंट कितना पेड किया, माइनस उसमें से करना है 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब हमने ऑलरेडी यहां के लिए अलग से मीनिंग ऑफ सैलरी निकाला है, वो वाली सैलरी फिर से नहीं लेंगे। तो अब उससे पूछो भाई तूने रेंट कितना पे किया, तो कितना रेंट पे कर रहा है वो यहां पे रेंट पे कर रहा है रुपीज 15,000। तो साल भर का रेंट कितना हो जाएगा, 1,80,000। साल भर का रेंट कितना हो जाएगा, 1,80,000। माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 276,000, ये तो निकाला था हमने सैलरी का। तो इस तरह से 27,600 कम हो जाएंगे इसमें से। अगर मैं 1,80,000 में से माइनस कर दूं 27,600, तो फिगर हमारे पास आ जाएगी रुपीज 1,52,400। ठीक है जी। थर्ड और लास्ट, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें सिर्फ उससे एक सवाल पूछना है, कंपनी ने तुझे कितने पैसे का एचआरए दिया था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज ए एचआरए, एक्चुअल अमाउंट, किसका अमाउंट, एचआरए रिसीव्ड। बताओ इसे एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ। आप कहोगे सर रुपीज 1,20,000 रिसीव हुआ, वो तो हमने लिखा ही हुआ है वहां पे। अब इसमें से एग्जम्प्ट क्या होगा, मेन कैलकुलेशन है इसमें, एग्जम्प्ट क्या होगा, एग्जम्प्ट इसमें यही निकालना है, ये हमारा फाइनल जवाब होगा। जो यहां से निकलेगा वही वहां पे चला जाएगा। विच एवर इज लीस्ट, इन तीनों कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट सबसे छोटा होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो बताओ फाइनली सबसे छोटा क्या है, 1,20,000। ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसके लिए हमने सारी कैलकुलेशन की। और यहां पर कितना आने वाला है, 1,20,000। अगर 1,20,000 आ गया तो कितना बचा है यहां पे, निल बचा। स्टूडेंट के हम सर छोड़ के चले जाते तो भैया एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपका, चाहे जीरो निकले, ये जीरो की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है आपकी कैलकुलेशन करनी। यहाँ पे चाहे वैल्यू निकले चाहे आपको वैल्यू ना निकले, आप ये नहीं कह सकते जी निल वैल्यू आ रही थी हमने छोड़ के आ गए, क्योंकि निल वैल्यू आ रही थी इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको कैलकुलेशन करनी है चाहे वैल्यू फिर जीरो ही क्यों ना आए। और यहाँ पे जीरो टैक्सेबल हो गया क्योंकि सारा का सारा एग्जम्प्ट हो गया। टैक्सेबल क्या बचता है, जो वैल्यू मिली थी उसमें से एग्जम्प्ट माइनस करने के बाद जो बचता है वो टैक्सेबल। तो इसमें वैसे लिखा हुआ है टैक्सेबल क्या होगा, भैया अमाउंट रिसीव में से एग्जम्प्ट माइनस होगा, तो अमाउंट रिसीव में से एग्जम्प्ट माइनस कर दिया तो वहां पे जो भी बचेगा वो टैक्सेबल होगा। फिलहाल टैक्सेबल कुछ नहीं है। और अब इसकी टोटल सैलरी बताइए कितनी हो जाएगी, 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 और प्लस 1,200, ये सब ऐड करने पर फिगर हो जाएगी रुपीज 3,79,200। रकम कुछ चेंज भी हो सकती है, पॉइंट दूसरा भी लग सकता था। अगर मैं कहूं कंपनी उसको ये जो पेमेंट कर रही है वो से 14,000 पर मंथ दे रही है, तो 14,000 पर मंथ के हिसाब से अगर मैं कर दूं तो ये फिगर कितनी बन जाएगी, अब यहां पर फिगर हो जाएगी 14,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये फिगर हो रही है 1,68,000। चेंज कर दिया मैंने डेटा। अब इससे फर्क सिर्फ कहां पे पड़ेगा, सिर्फ एक्चुअल अमाउंट रिसीव बदलेगा और ये फिगर कितनी हो जाएगी, 1,68,000। अब रकम बदल दी मैंने, 14,000 रुपये कर दिया, 15,000 का किराया देते उसने 14,000 रुपये का खर्चा किया। अब यहाँ पे एग्जम्पशन फिगर आप देखो फिर से, सबसे छोटी फिगर कौन सी हो गया है, 1,38,000। इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रकम जो सबसे छोटी आएगी वो यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे 1,38,000, तो कितना, 30,000 उसको टैक्सेबल होगा। और इसमें अगर 30,000 ऐड कर दें अब हम, तो 4,09,000 उसकी सैलरी मानी जाएगी जो टैक्सेबल होगी।
30,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अभी भी इससे फायदा काफी, क्योंकि उसको कंपनी ने कितने दिए थे 1,68,000, लेकिन इनकम टैक्स में कितना माना जा रहा है सिर्फ इस पोर्शन का 30,000 ही सिर्फ ऐड किया जा रहा है, बाकी सारे का उसको बेनिफिट दे दिया गया। क्लियर इतनी बात? कुछ बातें और देख लेते हैं। अगर आपके डेटा में लेकिन अगर चेंज आ जाए, क्या क्या चीजें बदल जाए, जिन चीजों के ऊपर आपकी कैलकुलेशन डिपेंडेंट है, अगर उनमें बदलाव आ गया तो आप ईयरली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तब आपको मंथली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमारी कैलकुलेशन डिपेंडेंट है? नंबर वन, रेंट कितना पे कर रहा है भाई। अगर रेंट बीच में बदल जाए, पहले रेंट उसका 15,000 रुपए है, बाद में उसने बड़ा मकान ले लिया 20,000 किराए पे, तो भाई रेंट बदल जाएगा तो आपको ये कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। कितने दिन तक कितना रेंट दिया, हो सकता है 6 महीने तक उसने 15,000 के हिसाब से रेंट दिया और 6 महीने तक 20,000 से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वाले 6 महीने में तो ABC में से कोई दूसरा पॉइंट छोटा है और बाद में पॉइंट बदल के कोई और छोटा हो जाए, नहीं हो सकता ऐसे। ये पहले ए पॉइंट छोटा था, बाद में बी पॉइंट छोटा हो गया, तो इसलिए आपको उसकी कंबाइन कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है, कि आप कंबाइन नहीं निकालेंगे बल्कि आप पीरियड के हिसाब से निकालेंगे। 6 महीने का रेंट 15,000 से लेकर देखेंगे कौन सी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, और 6 महीने का रेंट 20,000 लेकर देखेंगे कौन सी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। और अगर उसने प्लेस बदल दिया, दिल्ली से गाजियाबाद आ गया, गुड़गांव चला गया, तो भाई 50% होता था, बाद में कितना बदल जाएगा 40%, उससे वैल्यू बदल जाएगी। तब आपको फिर पीरियड के हिसाब से भाई कितने दिन तक तू 40% वाले एरिया में था, कितने दिन तक तू 50% वाले एरिया में था, तो उसकी सैलरी फिर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, फिर से आपको मंथ के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर कंपनी ने HRA की रकम बदल दी तुम्हारी, तो HRA यूज होता है इस कैलकुलेशन में? नहीं होता, हो रहा है HRA के बेस पे, तो हम इसके अंदर एक पॉइंट है HRA, तो रकम HRA की बदल जाए, पहले तुम्हारा HRA 6,000 था, बाद में तुम्हारा HRA 10,000 रुपये हो गया, तो हो सकता है पहले 6,000 छोटा था, अब 10,000 छोटा नहीं रहा, हो सकता है दूसरी रकम छोटी हो जाए, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली कैलकुलेशन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और किस चीज के ऊपर हमारी कैलकुलेशन बेस्ड है, उसकी सैलरी बदल दो, तुम बेसिक बदल दो, DA बदल दो, कमीशन वगैरह, ये सारी चीजों के ऊपर हमारी बेस है या नहीं हमारी कैलकुलेशन? जो भी चीजें इस कैलकुलेशन में यूज, उनमें से अगर कोई भी चीज बदल जाती है तो आपको ईयरली कंप्यूटेशन नहीं करनी है। जैसे मैंने ईयरली सैलरी निकाली, ईयरली आसान होते क्योंकि एक ही झटके में पता चल जाते हैं, लेकिन तब आपको उतने पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, और जितने पार्ट होंगे उतने पार्ट के अलग अलग, फिर बेसिक सैलरी क्या थी, DA था, फॉर्मिंग कमीशन, सॉरी कमीशन कितना था, और तीनों ही मतलब एक ही कैलकुलेशन 3 बार सेपरेटली भी करनी पड़ सकती है अगर उसके अंदर 2 चेंजेस होंगे। जितने चेंज होंगे उससे एक फालतू निकलेगा, लाइक अगर मैं सिर्फ एक चेंज करता हूं तो चेंज तो हुआ एक, लेकिन हिस्से तो 2 बन जाएंगे, और अगर 2 चेंज कर दूं तो चेंज तो 2 बार हुआ लेकिन तुम्हें कंपटीशन 3 बार करनी पड़ेगी, और 3 चेंज कर दूं तो 4, ये कितना टाइम, ये कितना टाइम, ये कितना टाइम और ये कितना टाइम, तो ये मल्टीपल टाइम्स भी करनी पड़ सकती है, मंथली फॉर्मेट में भी करनी पड़ सकती है। क्लियर है बात? पेज नंबर 49 पर इलस्ट्रेशन नंबर 4.6 अब करेंगे HRA की कैलकुलेशन कैसे होती है समझने के लिए, जिसमें लिखा है ए इज एंटाइटल्ड टू बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। ए जो है एक हमारा एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये महीने की है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में बेसिक सैलरी ही टैक्सेबल की जाती है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें तो ये फिगर 6,00,000 हो जाएगी। फिर डियरनेस अलाउंस भी इसको मिल रहा है, एंड डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस में कंपनी ने उसे 10,000 रुपये महीने के दे दिए हैं, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो 1,20,000 हो जाएगा, चाहे ये फॉर्मिंग हो या चाहे फॉर्मिंग ना हो, यहाँ पे तो 1,20,000 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर उसने कर दिया कि जो DA मिला था उसका 40% फॉर्मिंग नेचर का मान के चलना है, तो हम ठीक है 40% फॉर्मिंग अपनी कैलकुलेशन के वक्त यूज कर लेंगे, बाकी वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे ये फॉर्मिंग हो चाहे फॉर्मिंग ना हो, 1,20,000 लिखा जाएगा। आगे भी लिखा है ही इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ। भाई कंपनी ने उसे सर डियरनेस अलाउंस नहीं, हाउस रेंट अलाउंस की पेमेंट की है HRA, और वो 20,000 पर मंथ है, साल भर का हो जाता है ये 2,40,000 है। इसे बाहर नहीं डालेंगे, पहले करेंगे इसकी कैलकुलेशन, लेस होगा इसमें से कुछ एग्जम्प्ट, और एग्जम्प्ट करने के लिए निकालने के लिए हमने इसमें एक नोट बनाना है एग्जाम में, जिससे हमें पता चलेगा इसमें कितना एग्जम्प्ट है और कितना टैक्सेबल हो पाएगा। आगे उसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, ही एक्चुअली पेज 20,000 पर मंथ एज रेंट इन फॉर ए हाउस एट डेली। मैंने आपको बताया था 2 जानकारी वो आपको अलग से देगा, एक तो रेंट पेड कितना किया वो बताएगा, जो कि इसमें बता दिया गया 20,000 पर मंथ, दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताएगा जो कि डेली है,
इतनी बातें अगर हमें पता चल गई तो हम कैलकुलेशन फिर आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहला काम हमें सैलरी का मीनिंग अपने पर्पस के लिए फिर से निकालना है। वहां पे जो कैलकुलेशन चल रही है वो तो टोटल कैलकुलेशन चल रही है, यहाँ पे इस पार्ट के लिए अलग से सैलरी निकालनी है, जिसमें क्या पूछेंगे, भैया तेरा बेसिक अमाउंट कितना था, 6 लाख। डीनल अलाउंस यहाँ पे लेंगे, दोबारा रिकैलकुलेट किया, सिर्फ 40% वाला पोर्शन यहाँ पे ले पाएंगे जो फार्मिंग है, और उसका 40% 48,000 हो जाएगा। कमीशन कंपनी ने उसे दिया ही है, तो यहाँ पे इस पर्पस के लिए उसकी सैलरी 6,48,000 मानी जाएगी, वहाँ पे होगी 7,20,000, लेकिन यहाँ पे सैलरी 6,48,000। क्योंकि उसका प्लेस डेली निकला इसलिए ये 40% को कैंसिल कर देंगे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से 50% ऑफ सैलरी मतलब 50% ऑफ 6,48,000 करेंगे और अमाउंट आ जाएगा ₹3,24,000। एक फिगर जो कैलकुलेशन का पार्ट है हमारे हाथ लग गई है। दूसरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट उसने बताई दिया 20,000 रुपये महीने का है, तो साल भर का रेंट कितना हो जाएगा, 2,40,000 माइनस 10% मतलब 64,800, ये लेस कर देंगे 10% सैलरी, ये 6,48,000 का 10% 64,800 है। जब इसे हम लेस कर देते हैं तो जो फिगर हमारे पास इसमें आ जाएगी 2,40,000 माइनस 64,800, ये वैल्यू आ रही है ₹1,75,200। दूसरी फिगर भी हमारे पास आ गई है। तीसरी फिगर तो हमें पहले से ही पता होती है, वो है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआर रिसीव्ड, और वो हमने लिखा हुआ है वहां पे ऑलरेडी ₹2,40,000। अब इन तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे छोटी आई है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई है, ₹1,75,200। कहेंगे भैया ये एग्जम्प्ट कर दो, जहां पे भी कैलकुलेशन इसकी चल रही है, और यहां से हम 1,75,200 माइनस करेंगे। अगर 2,40,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेट फिगर 64,800 उसकी बचेगी, जो कि टैक्सेबल होगी। आप अगर आंसर में चेक करोगे तो आपको ये वाली फिगर मे बी इसके अंदर नजर आ जाएगी। नजर आ रही है? अच्छा, अब क्या करेंगे, इन्होंने टोटल फाइनल सैलरी नहीं निकाली फिलहाल में, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत परेशान हो, अभी से मैंने पैटर्न पूरा वही मेंटेन किया जो एग्जाम में आपको फॉलो करने हैं। टोटल अब यहाँ पे कर लेंगे तो कि उसकी फिलहाल की टोटल सैलरी आ जाएगी, और 7,20,000 पहले से थे, ऐड कर ले तो फिगर हो जाएगी ₹7,84,800, जो कि फिलहाल के क्वेश्चन के हिसाब से इसकी टोटल टैक्सेबल सैलरी है। क्लियर है? कंप्लीट है। पेज नंबर 49 पर अब इलस्ट्रेशन नंबर 4.7 समझेंगे, जिसमें रेंट में चेंज आ गया है। कोई भी चेंज हमारी कैलकुलेशन को ईयरली से मंथली में कन्वर्ट करने के लिए काफी है। यहाँ पे लिखा है मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एट डेली एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी ऑफ आर कंपनी लिमिटेड। पहली बात तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें पता चल गया दिल्ली में वर्क कर रहा है, तो अज्यूम क्या चलेंगे, रेजिडेंस भी उसने दिल्ली में रखा होगा। वैसा ऐसा हो सकता है बंदा दिल्ली में काम करे और गुड़गांव से आता हो, बट बाय डिफॉल्ट जहां पर उसका ऑफिस है वहीं पर उसका रेजिडेंस मान के चलेंगे। तो फिलहाल हम क्या इसमें लेने वाले हैं, एक चीज का पता चल गया, वो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो कि दिल्ली है। तो 50% ऑफ सैलरी हम अपनी कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे। आर कंपनी में वो मैनेजर है और उसकी सैलरी की डिटेल आ रही है, उसकी सैलरी पर मंथ 30,000 रुपये बेसिक। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी के आगे लिख देते हैं जी, 30,000 रुपये पर मंथ है, साल भर की सैलरी उसकी कितनी बन जाएगी, 3,60,000। उसके बाद डीएनएस अलाउंस ब्रैकेट में साफ से लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मतलब 100% फॉर्मिंग है। यहाँ पे लिखेंगे डीएनएस अलाउंस ब्रैकेट में फॉर्मिंग, और ये 10,000 पर मंथ है, साल भर में फिगर हो जाएगी 1,20,000। और उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस फॉर पर्सनल पर्पस, कन्वेंस अलाउंस कितना मिला है उसे, 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है साल भर का। भैया ये ऑफिस के काम के लिए मिलता तो छूट मिल जाती, हमने सीख लिया था कन्वेंस अलाउंस जितना मर्जी मिले, ऑफिस के लिए मिला तो क्या हो जाता है, एग्जाम। लेकिन ये तो ऑफिस के लिए नहीं मिला, ये तो पर्सनल मिला। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में तो फिर छूट मिलती है, कन्वेंस अलाउंस में तो ऑफिस के काम के लिए छूट मिलती है। तो हम कहेंगे जी ये 60,000 का 60,000 पूरा टैक्सेबल होगा, इसमें कोई छूट मिलने वाली नहीं है। और उसके अलावा कमीशन भी मिल रहा है, और ये 2% कमीशन अचीव के हिसाब से मिल रहा है। कमीशन मतलब सेल के ऊपर बेस्ड है, कमीशन ऑन सेल, और कमीशन सेल 2% के हिसाब से उन्होंने 22,50,000 का माल बेचा, और कैलकुलेशन भी कर रखी उन्होंने कितनी, 45,000 रुपये का कमीशन इनको मिला। और इवनली स्प्रेड का मतलब ये मंथली करीब करीब सेम ही रहा, तो अगर इसको मंथली निकालें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 45,000 रुपये का उसको मिला। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो मंथली कितना पड़ा ये भी पता चल जाएगा, मैंने इसे 12 से डिवाइड कर दूँ तो 3,750 पर मंथ पड़ गया, ये मल्टीप्लाई करने से वापस कितना आ जाएगा, 45,000।
क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर चेंज हो रहा है रेंट के अंदर, रेंट में चेंज वो बताएगा, इसलिए मंथली की भी हमें जरूरत पड़ेगी। जो ईयरली है कैलकुलेशन वो मंथली में बदलेगी, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन मंथली भी पता होना जरूरी पड़ेगी। अब आगे कह रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस कंपनी ने उसे दिया, एचआरए भी दिया, यही तो हमारी मेन कैलकुलेशन है। कंपनी ने उसे 15,000 रुपये महीने का रेंट दिया है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 180,000, इसे बाहर नहीं लिखेंगे भी, इसमें से कुछ होगा एग्जम्प्ट। कैसे पता चलेगा भाई, नोट बनाएंगे उससे पता चलेगा कि कितना एग्जम्प्ट होगा और उसके बाद फिगर टैक्सेबल होगी। और फिर इसके बाद नीचे लिखा है एक्चुअल रेंट पेड बाय मिस 10,000 पर मंथ फॉर द एकोमोडेशन एट नोएडा। लो जी प्लेस क्लियर हो गया, रेजिडेंस हम मान रहे थे दिल्ली, दिल्ली नहीं है वो, क्या हो गया नोएडा, ऑफिस है दिल्ली में, तो रेजिडेंस हम चेंज कर देते हैं, नोएडा बना देते हैं, और नोएडा होते ही 40% में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले बोल दिया था कि ऑफिस का प्लेस नहीं, रेजिडेंस का प्लेस पूछना है, ठीक है जी। अच्छा कितने रेंट पे, 10,000 पर मंथ, और बाद में लिखा है 1st of January से। रेंट उसने दो टाइम पे दिया भाई, पहले 10,000 पर मंथ दिया है, कब तक दिया है, अप टू 1 January से उसका रेंट जो है बदल के कितना हो गया है 20,000 पे, यहां पर 20,000 पे पर मंथ हो गया सिंस 1 January 2018, ठीक है जी। इसका मतलब अप टू 31 December 2017 उसका ये वाला रेंट था, तो रेंट तो बदल गया इसका, और इसके अंदर कोई बात नहीं लिखी है। तो जब कोई और बात नहीं लिखी तो हमें अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। और इसके अंदर चेंज जो है वो 9 महीने के बाद, हमारा जो साल होता है वो कब से शुरू होता है, हमारा साल तो अप्रैल से शुरू होता है, 9 महीने तक उसका रेंट कितना रहा 10,000, और बचे हुए साल के 3 महीने में उसका रेंट कितना रहा 20,000। तो उसके बेसिस पर अब हमें इसकी जो कैलकुलेशन मंथली करनी पड़ेगी। आप मंथली बेसिस पे करें, बाद में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 महीने वाली कैलकुलेशन का अमाउंट आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाली कैलकुलेशन का अमाउंट आ जाएगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो उसकी सैलरी, वैसे उसकी सैलरी सारे टाइम सेम ही रही है, तो आप पर मंथ सैलरी दोनों पीरियड में सेम ही ले सकते हैं। वैसे आप चाहें तो भाई 1st 9 month, इसको अब कैलकुलेशन को हम वर्टिकल फॉर्मेट में कर लेते हैं, सैलरी का मीनिंग और सारी चीजें वर्टिकल निकालते हैं। कैसे, 1st 9 month उसके लिए अलग, और फिर देन 3 months जो लास्ट थे उनके लिए अलग। क्या पूछेंगे, सबसे पहले क्या पूछेंगे भाई, ये बता तेरी बेसिक सैलरी कितनी थी, और ये पर मंथ में बताना, 9 महीने के लिए बाद में यूज करें, पहले मंथली सैलरी। यहां पे कितनी है उसकी मंथली सैलरी, ₹30,000, और यहां पे भी 30,000। DA सिर्फ वो वाला बताना जो फॉर्मिंग है, वो भी पर मंथ में बताना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ पर मंथ में पूछे, 9 महीने के लिए यूज करेंगे लेकिन पर मंथ, और यहाँ पे भी पर मंथ कितना 10,000, सारा ही फॉर्मिंग है, और कमीशन भी ले लेंगे, कौन सा वाला कमीशन, ऑन सेल परसेंटेज, और पर मंथ के बेसिस पे निकाला तो 3750, यहाँ पे भी फिगर कितनी है 3750, ये सेम ही है, एक बार भी कैलकुलेट कर सकता था क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव सिर्फ रेंट में, सैलरी में एचआरए में कोई बदलाव नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,750, और ये भी हो जाएगा 43,070, ये मंथली है अभी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं मंथली बेसिस पर ही, 9 months पीरियड के लिए अलग और 3 months पीरियड के लिए अलग, लेकिन कैलकुलेशन पर मंथ बेसिस पे होगी, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 महीने और 3 महीने की वैल्यू बन जाएगी। बताइए अभी फिलहाल कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि नोएडा में शिफ्ट हो गया, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी 43,750 का 40% निकालने पर आ रहा है 17,500, और यहाँ पे भी कितना आएगा 17,500, ये पर मंथ है। अच्छा उसके बाद फिर रेंट पेड माइनस 10%, इसमें बदलाव है, रेंट पेड यहाँ पे कितना होता है भाई, इस पीरियड में हुआ रेंट पेड 10,000 माइनस 10,000 का रेंट था पर मंथ, माइनस 10% ऑफ सैलरी 4,375, यहाँ पे जो वैल्यू इसके पास आने वाली है वो 10,000 माइनस 4,375, ये वैल्यू आने वाली है 5,625, लेकिन वहाँ पे रेंट उसका 20,000 हो गया, तो यहाँ पे 20,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 20,000 माइनस वही 4,375, तो फिगर आएगी 15,625। यहाँ पे ये फर्स्ट कैलकुलेशन है, ये सेकंड कैलकुलेशन हमारी फाइनल हो गई है। थर्ड कंपनी ने अच्छा रहे तो सेम ही दिया, कितना दिया था पहले भी 15,000 पे पर मंथ, और यहां पे भी 15,000 पे पर मंथ, यही था ना। अब एग्जम्प्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जम्प्ट कितना होगा, इसमें सबसे छोटी फिगर कौन सी आ रही है, हम कहेंगे 5,625 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9,
कौन सा वाला पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट सबसे छोटा रहा है? अगर 5625 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं तो वैल्यू आ रही है ये रुपीज 50625, ये फाइनल हो गया मेरा। और इधर इधर बी पॉइंट छोटा नहीं है रहा भाई, इधर तो सी पॉइंट छोटा रहा है, इसीलिए हमें अलग अलग करनी पड़ रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट बी पॉइंट है तो हर जगह बी छोटा। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया छोटा? सी। हम कहेंगे जी यहाँ पे 15,000 पे पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 कम्स टू 45,000। क्लियर है? तो यहाँ पे डिडक्शन कितनी आने वाली है? हम कहेंगे जी 50,625 प्लस 45,000। ये नोट से हमें पता चल गया कि डबल बेनिफिट उसको मिलेगा, और अगर प्लस कर दूँ 45,000 तो ये टोटल बेनिफिट इसके पास यहाँ पे आ रहा है 95,625, और उसे माइनस कर दें 1,80,000 रुपये में से तो फिगर आ रही है 84,375। और इन्होंने तो बस इतनी कैलकुलेशन की है, हम तो पूरी सैलरी निकाल देते हैं इस साल की उसकी टोटल सैलरी कितनी टैक्सेबल होने वाली है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3,60,000 और उसके अलावा 1,20,000 और उसके अलावा 1,05,000 और है, उन सबको भी अगर हम ऐड कर लें तो फिगर आएगी 6,69,375, जो कि इसकी फिलहाल के हिसाब से नेट टैक्सेबल सैलरी है। क्लियर है?